तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की कोड कंसेप्ट की हमारी दूसरी क्लास है। हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था वर्कबुक के बारे में कि किस तरह से वर्कबुक को हैंडल किया जाता है, और फिर हमने बात की थी वर्कबुक से रिलेटेड होने वाले इवेंट्स के बारे में कि क्या क्या करते हैं, फाइल सेव करना, सेव एज करना, क्लोज करना वगैरह वगैरह। तो आज हमारी इसमें हम बात करेंगे छोटी सी पहली प्रोजेक्ट के। जी हाँ, छोटी सी पहली वीवीए प्रोजेक्ट। तो क्या है, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या चीजें हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं, देखिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारे एक ड्राइव के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करना है, मतलब ई ड्राइव या एफ ड्राइव या जी ड्राइव के अंदर 2020 का फोल्डर क्रिएट करना है। 2020 के अंदर एक कौन सा महीना चल रहा है, 9। यहाँ पे 9 नंबर का महीना फोल्डर क्रिएट करना है, और उस 9 नंबर के फोल्डर में जाना है और एक और फोल्डर करना है अगेन 9, क्योंकि आज 9 भी है इसलिए अगेन 9। और इसके अंदर फाइल क्रिएट करना है एक एक्सेल वर्क को, और ये 9 होगा। तो करना क्या है, हमें 2020 का फोल्डर क्रिएट करना है, फिर हमें 9 का फोल्डर, मंथ का फोल्डर क्रिएट करना है, फिर डे का फोल्डर क्रिएट करना है, फिर उस डे के 9 से यहाँ पे फाइल क्रिएट करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट मुझे होती थी जब हम एक ऑफिस में काम करते थे, तो उस ऑफिस में क्या था कि एक सॉफ्टवेयर था, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर था, तो उससे फाइल जो है वो डाउनलोड नहीं होती थी, फाइल जो है डाउनलोड नहीं होती थी। जैसे हम लोग करते हैं ना, क्लिक कर दिया और डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड नहीं होती थी सर, वो फाइल को एडिट होता था। मुझे उसका फाइल का लोकेशन देना होता था कि हाँ फलाने जगह फाइल है, तो उस फाइल में कोई डेटा लेके पेस्ट कर देता। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें डेटा को उस तरह से अरेंज करना होता था, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम था कि डेट के हिसाब से फोल्डर हो तो ऑटोमेटिक जाकर उसमें डाल देता था। तो हर दिन हमें लोकेशन क्रिएट करना होता था। कभी कभी क्या होता था, हम डेट भूल जाते थे, तो हमें गलत डेट डाल दिया, ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती थी। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ पे ऑटोमेट कर दें। ठीक है, विजय जी, समझ में आया आपको? हाँ जी, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोल्डर है तो बनाना है, नहीं है तो नहीं बनाना। सॉरी, माफ कीजिएगा, फोल्डर है तो नहीं बनाना है, नहीं है तो नहीं बनाना है, उल्टा बोल गया। क्योंकि 2020 का फोल्डर तो साल में एक बार बनेगा ना, मंथ का फोल्डर महीना में एक बार बनेगा। तो चलिए इसके लिए माइक्रो हम लिखते हैं। तो हमने फाइल कर दिया, और ये हमारा सिस्टम डेट से कनेक्टेड होना चाहिए। सबसे पहले मुझे पता करना है कि सिस्टम डेट मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईयर, मतलब कि 2020, मुझे चाहिए मंथ, मुझे चाहिए डे। कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास एक टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट देता है। फिर अगर मैं यहां से ईयर निकाल लूं, ईयर लगाऊं फॉर्मूला, ईयर आ जाएगा। मैं यहां से मंथ का फॉर्मूला लगाऊं तो मंथ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डे का फॉर्मूला लगाऊं तो डे आ जाएगा। तो मंथ, ईयर, डे वीवीए को भी सपोर्ट करता है। कैसे लगाएंगे वीवीए में, वीवीए में जब फंक्शन लगता है तो एक स्टोरेज लोकेशन चाहिए ना सर, जो रिजल्ट कहाँ अपडेट करेगा। जैसे 2+30 है, अब ये 50 रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगा, इसका लोकेशन तो मुझे देना पड़ेगा ना। जैसे मैथमेटिक में हम वाई ले लेते, जैसे हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो में ले लिया था, तो सेम चीज हम यहां करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं कि y इक्वल टू ईयर हमने कर दिया, और इस ईयर के अंदर में हम डाल देते हैं डेट। हमने हेलो हमने यहाँ पे डेट क्यों डाला, क्योंकि सिस्टम डेट चाहिए। एक्सेल का जो टुडे फॉर्मूला है, यहाँ पे डेट बन जाता है। ओके, एक्सेल का
टुडे फॉर्मूला नहीं तो मेरे एक्सेल में जो टुडे का फॉर्मूला उसमें तो MMDA ईयर मंथ और डेट तीनों रहता है, फिर हम लोग इक्वल्स वाई इक्वल्स टू ईयर क्यों डाल रहे हैं? तो डेट फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला तो डेट देता है ना, हमें डेट थोड़ी चाहिए, हमें तो इस डेट का ईयर चाहिए ना। ओके 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 ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। माफ कीजिए, मेरा ब्लूटूथ का जो है ना बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ओहो, खाली एक चीज और, एक कल सॉरी मैं खाली एक चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, कल से ना आपका शायद नेटवर्क का ना कुछ इश्यू होगा, आप जो बोल रहे हैं ना बीच में मतलब अटक जा रहा है, मतलब बीच में दो चार सेकंड के लिए आवाज नहीं आती, ऐसा हो रहा है बार बार ही, कल भी हुआ था आज भी, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी क्लास के लिए भी दिक्कत ना हो। ठीक पता नहीं। हाँ हाँ तो आप ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने हमें यहाँ मिला हुआ है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि मंथ के लिए एम इक्वल टू अगेन मंथ का फॉर्मूला लगाया हमने और यहां से हमने डेट डाल दिया, और सेम डी इक्वल टू डे का फॉर्मूला हमने लगाया और यहां पे डे को डाल दिया, तो हमने सिस्टम डेट से ईयर को मंथ को और डे को कैलकुलेट कर लिया, राइट सर? अच्छा ये डे में डेट होगा ना ब्रैकेट में, सॉरी डेट होगा, माफ कीजिएगा गलती हो गई। अब मुझे फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर के लिए जो कोड होता है MKDIR, याद कीजिएगा मेक डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म MKDIR। ओके, उसमें देना होता है लोकेशन कि आपको फोल्डर कहाँ बनाना है। मान लीजिए मुझे यहां बनाना है जी ड्राइव, समझ गए? तो जो सबसे लास्ट वाला जो होगा 2020 उसको बना देगा। अब 2020 के अंदर 9 चाहिए तो मुझे लिखना होगा 9, तो फिर जो लास्ट वाला फोल्डर वही क्रिएट होता है यहाँ पे /9, इस तरह से लिखना हो। लेकिन ये तो मैनुअल हो गया ना, हमें तो कनेक्ट करना है हमें अपने वेरिएबल से, क्या सर? हाँ। तो इसको हमने क्या किया, कॉनकटा नेट कर दिया वाई, ऐसा सर? फिर इसको कॉपी किया पेस्ट किया और इसके अंदर हमने एम परसेंट लगाया स्लैश दिया और वापस एम परसेंट लगाया और दे दिया हमने एम। अगर बताऊं तो ए बन गया आपका जी स्लैश 2020, ठीक है, और ए क्या बन जाएगा स्लैश 9। ओके, 2020 के बाद स्लैश चाहिए से इन्वर्टर को हमने स्लैश बैकस्लैश दिया हुआ है। इसको हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करता हूं। अब मुझे इसमें डी डे जोड़ना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्लैश डी हो जाएगा। एक बार में एक फोल्डर क्रिएट करता है तो 1 by 1 हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, तो पहले इसको क्रिएट कर चलेगा, इस कोड चलेगा और 2020 का फोल्डर क्रिएट होगा, ए चलेगा 2020 के अंदर 9 का फोल्डर क्रिएट होगा और फिर यहां चलेगा 2020 के अंदर 9 के अंदर और फिर अगेन 9 डेट ही 9 है, इसलिए अगर 10 होगा तो 10, 15 होगा तो 15 का फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो मेक डायरेक्टरी का एक कोड समझ में आ गया। हम बात करते हैं वर्कबुक ऐड करने की, यहां लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ऐड और मुझे ऐड के साथ साथ सेव भी कर देना है, तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा सेव एज और
कहां सेव करना है, तो इस लोकेशन में, इस लोकेशन में हमने किया, तो सिर्फ लोकेशन ही आया ना सर, इसका जो फाइल नेम भी तो चाहिए, तो मैंने यहां पे स्लैश और अगेन डी कर दिया, और फिर यहां पे हमने कर दिया डॉट एक्सलेस एक्स। तो ये क्या हुआ, मैं यहां इसको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ओ, मेरा डी के नाम से ही फाइल सेव, और डी मतलब करंट डेट के नाम से इस फाइल सेव हुआ डी यहां पे 9.xls.x। तो concatenate हम एक्सेल में भी इसी तरह से लगाते हैं ना सर, और यहां तरह से लगाते हैं। तो ये हमारा ड्राइव हो गया, ये पहला फोल्डर ले लिए कहां से, वाई से ले लेगा, और बैकस्लैश डालेंगे कि उसके बाद फिर मंथ डालेगा, मंथ एम से ले लेगा, और फिर बैकस्लैश डे ले लेगा, डे से फिर बैकस्लैश, यहां तक तो हो जाता है पाथ जैसे कि ऊपर है। पाथ के बाद फिर फाइल नेम भी तो चाहिए और विद एक्सटेंशन, ये हमारा फाइल नेम हो जाएगा, ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। अब फाइल जो ऐड हुई है उसको क्लोज भी करना है, या लिखूंगा मैं वर्क बुक्स, और कौन सा वर्कबुक क्लोज करना है, तो दो तरीका है कि मैं यहां पे लिख सकता हूं ई के साथ डॉट एक्सलेस एक्स, स्पेस देना होगा इसमें, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन कहती है कि जो वर्कबुक ऐड हुई है वही से वही अमल एक्टिव होगा, तो इस कोड को लिख के कॉम्प्लिकेट ना करें, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और ट्रू, जो कि मैंने कल बताया था आपको, समझ गए? ठीक है, डेट करने के लिए कमेंट में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में जब आपका हो गया कंप्लीट हो गया, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एम एस जी बॉक्स देंगे फोल्डर फाइल, एक मैसेज दे देगा हमको, इस कोड में कहां आपको कंफ्यूजन हो रही है। पहला चीज, एक बात बताइए, हम लोग जो टुडे का फॉर्मूला डालते हैं कि इक्वल्स टू टुडे एक्सेल में, ये YMD से वो कैसे ले रहा है, ये इसी से पिकअप कर लेगा जी। टुडे फॉर्मूला VBA को सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा एक्सेल फॉर्मूला VBA को सपोर्ट नहीं करता है, जब फॉर्मूला आप लगाएंगे, जैसे मैंने यहां पे लगाया टुडे ब्रैकेट ओपन किया, तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, एक्सप्रेशन इसका मतलब है कि फॉर्मूला VBA को सपोर्ट नहीं करता है। तो जो VBA का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव फॉर्मूला होगा, तो टुडे का अल्टरनेटिव होता है डेट, जो कि सिस्टम डेट देता है, लेकिन सिस्टम डेट देता है, और जाहिर सी बात आप जानते हैं कि सिस्टम डेट होता क्या है, नंबर ऑफ डेज होता है, इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो 84 होगा, जिससे हम समझ नहीं पाएंगे ना सर, हमें एक सीक्वेंस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। और ईयर मंथ डे का फॉर्मूला जैसे एक्सेल में, ऐसे VBA में सपोर्ट कर लेता है। कैसे पता चला, जब हमने लगाया तो मुझे एक्सप्रेशन दिख गया, ओके, सपोर्ट कर रहा है। और कुछ नहीं, हाँ एक, हाँ एक चीज और पूछना, जैसे ये कल भी मैंने पूछा था, ये अभी जैसे मेरे पास 3-4 एक्सेल ऑलरेडी खुला हुआ, ठीक है, और साथ में मैंने ये वाला रन किया workbook.add.save, इसके बाद मैं वापस ये एक्टिव वर्कबुक देंगे तो वही वाला रहेगा ना। देखिए हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, नई फाइल क्रिएट हो रही है, जितना भी फाइल खुला होगा उससे मतलब नहीं, जैसे नई फाइल क्रिएट हुआ, जो फाइल क्रिएट हुआ वही एक्टिवेट होगा, एनरोल करें चाहे VBA के थ्रू करें, ठीक है, ठीक है। अगर उसमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको नीचे का भी तरीका बता दिया, डायरेक्ट फाइल नेम से,
ठीक है, ठीक है, लेकिन एक कोड अभी परफॉर्म नहीं करेगा, दिक्कत देगा, एरर देगा। अब बताइए क्यों एरर देगा? ये सब में जो हम लोग ने वो सिंगल कॉमा डाल के रख रखा है इसलिए। उससे मतलब नहीं है, वो तो कमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आपका एक्सेल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। क्योंकि मेरे सिस्टम में जी ड्राइव में ऑलरेडी 2020 का फोल्डर है, इसके अंदर ऑलरेडी 9 का फोल्डर है, मैं फोल्डर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। एक सिस्टम में एक नाम के एक ही फाइल बनेगा ना, फाइल एंड फोल्डर। ओके, समझे कि नहीं? हाँ, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, क्योंकि फोल्डर है तो बनाना है, नहीं है तो बनाना है। तो यहां पे एक कोड आपको देना पड़ेगा ऑन, इसको याद रखिएगा हमेशा, ये हमें आपको मोस्टली दिन काम आएगा, ऑन रिज्यूम। क्या करेगा कि जिस लाइन में एरर होगा उस लाइन को स्किप कर देगा और लाइन को वर्क ही नहीं करेगा। अब इसको वन बाय वन चलाने के लिए हमारे पास यहां होता है डिवर्ग होता है, डिवर्ग में स्टेट होता है, शॉर्टकट F8 होता है। तो मैं F8 प्रेस कर रहा हूं, F8 प्रेस किया, देखिए अब यहां पे देखिए Y क्या हो गया 2020, M क्या हो गया 9, और यहां पर D क्या हो गया 9। अब यहाँ पे एम के दिया या चला, ये एरर दिया, इसको स्किप कर दिया, ये चलाया, ये एरर दिया, स्किप कर दिया। अब आया यहाँ पे फाइल को क्रिएट किया, क्रिएट हो गया फाइल, और फिर फाइल को क्लोज कर दिया और फिर मैसेज दे दिया। अब आप देखेंगे कि 9 नंबर का फोल्डर बन गया, मैं डिलीट कर दिया था ना सर, इसके अंदर 9 बुक ऐड हो गया। एक कोड मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है? अब आप इस कोड में थोड़ी बहुत चेंजिंग करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, बना बना कोड है, बस थोड़ी बहुत एडिटिंग कीजिए, जैसे कि आपका फोल्डर चेंज कर दीजिए या फोल्डर को बढ़ा दीजिए या डेट का फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, दो एक के जगह पे दो फाइल क्रिएट कर दीजिए, पार्ट वन पार्ट टू, समझ गए ना? ठीक है, या किसी और फाइल को सेव एज करवा दीजिए इसमें ओपन करके। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक, इसको बनाइए और मुझे भेजिए, फिर हम कल की क्लास में आपके साथ सीट इवेंट पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आपके पास भेजिए, क्या बोलना अब 2 मिनट 5 2-4 मिनट टाइम है, मेरे को